अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, दारू सैद हॉस्पिटल जो गुलिस्तान जोहार में लोकेटेड है, इधर यहाँ पे फ्री जो है वो टीबी के टेस्ट हो रहे हैं और साथ ही जो है वो मेडिसिन भी दी जा रही है। तो जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बलगम वगैरह के टेस्ट, टीबी के और मेडिसिन भी, तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह अलग हो रही है क्लिनिक और शाम को अलग हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपके करीब में भी कोई जान पहचान वाला है जो टीबी का मरीज़ है, तो उसको भी आप ये बात बता सकते हैं सत्कार जारिया के तौर पर। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास इस महीने की डॉक्टर्स की लिस्ट भी अवेलेबल है, जो कि आराम से आप लोग जिस भी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जनरल मेडिसिन है, या इंटरनल मेडिसिन भी कह सकते हैं, ये शुगर के डॉक्टर होते हैं, शुगर के मरीज़ इनको दिखा सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे मोटी भी तमाम चीज़ें, छोटी मोटी बीमारियां भी इंसान की ये आराम से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास पल्मोनोलॉजी का डॉक्टर है, जो कि फेफड़ों का यानी कि लंग्स का स्पेशलिस्ट होता है, टीबी जैसी बीमारियों को भी यही देखता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी कि हार्ट का डॉक्टर, जो कि दिल के अमराज को देखता है। उसके बाद थोरेक सर्जरी है, यानी कि गले के सर्जन का डॉक्टर बैठता है। उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, यानी कि पेट का डॉक्टर बैठा हुआ है। उसके बाद हेमाटोलॉजी, यानी कि ब्लड का, खून का जो भी अमराज है उसको देखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर बैठा हुआ है। उसके बाद न्यूरोलॉजी के लिए एक डॉक्टर है, यानी कि दिमागी जो भी बीमारियाँ हैं उससे रिलेटेड ये सब कुछ देखता है। उसके बाद न्यूरो सर्जन है, यानी कि दिमाग की सर्जरी के डॉक्टर। ऑनकोलॉजी, यानी कि कैंसर के डॉक्टर। उसके बाद साइकेट्री, यानी कि दिमाग के अमराज को डील करने वाला डॉक्टर। उसके बाद डर्मेटोलॉजी, यानी कि स्किन के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। फिर जनरल सर्जरी, यानी कि जो भी सर्जन जो छोटी मोटी चीज़ों को डील करते हैं वो बैठे हुए हैं। प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर बैठे हुए हैं। ऑर्थोपीड्स, यानी कि हड्डियों के डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, यानी कि हड्डियों की मूवमेंट कराने वाले डॉक्टर भी मौजूद हैं। स्पीच थेरेपी, जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। यूरोलॉजी, यानी कि पेशाब से रिलेटेड जो भी मसला है वो सब डील करने वाले डॉक्टर भी मौजूद हैं। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी, यानी कि किडनी से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ उन सबको डील करने वाले डॉक्टर्स हैं। ऑप्थेमोलॉजी, यानी कि आँखों से रिलेटेड भी तमाम डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट की सर्जरी, यानी कि औरतों की छाती से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, वो सब डील करने के लिए भी यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। ईएनटी, यानी कि कान नाक और गले का डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। डेंटल का भी अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, डेंटल की तमाम ट्रीटमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक्स, यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी भी होती है यहाँ पे। ऑब्स्ट्रिशन गायनी, यानी कि बच्चों की पैदाइश कराने वाली डॉक्टर, यहाँ पे औरतों के तमाम अमराज देखने वाली डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से मालूमात मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।